आज हम एकांतवासी आत्माओं के विषय में बात करेंगे। एकांतवासी आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जिन्हें उनके मार्गदर्शक उनकी मृत्यु के बाद लेने तो आते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं जाना चाहती। वो खुद ही आत्मा लोग जाने से इनकार करती हैं। इस तरह की आत्माओं को भूत प्रेत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो यदि लंबे समय तक पृथ्वी पर रुकती हैं तो वो प्रेत आत्माओं की योनि में आ जाती हैं। हकीकत में ये वो आत्माएं होती हैं जो बस सबसे दूर रहना चाहती हैं, सबसे अलग रहना चाहती हैं। ये एकांत वो अपने लिए खुद चुनती हैं। लेकिन कोई आत्मा इस तरीके से एकांत में रहना, या आप समझ लीजिए प्रेत लोक में रहना, अपने लिए जो चुनती हैं वो अवधि एक समान नहीं होती। कोई बहुत कम अवधि के लिए इस वक्त को चुनती हैं, कोई थोड़ी ज़्यादा वक्त के लिए इस चीज़ को चुनती हैं। कुछ आत्माएं इतना ज़्यादा भौतिक देह के साथ जुड़ी हुई होती हैं कि वो मृत्यु के फौरन बाद देह धारण कर लेना चाहती हैं। वो एक प्रोसेस, जो कि आत्मा लोक का एक प्रोसेस है कि पूरी एक प्रक्रिया के बाद आपको शरीर मिलता है, वो गुजरने ही नहीं चाहती इस प्रोसेस से। वो चाहती हैं कि अभी उनको एक नया देह मिल जाए, जो जैसे ही उन्होंने छोड़ा है वैसे ही उन्हें एक नई देह मिल जाए। ज़्यादातर आत्माएं तो आत्मा लोग जाना चाहती हैं क्योंकि ये उनके घर की तरह है, ये एक आराम की जगह है, ये एक पढ़ाई की भी जगह है, तो वो जाना चाहती हैं। ये कुछ ही आत्माएं होती हैं जो नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन अधिकतर जो उनके मार्गदर्शक होते हैं वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो एक प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर ले। इसकी इजाज़त अधिकतर मार्गदर्शक नहीं देते हैं। हर मार्गदर्शक चाहता है कि जो उसकी स्टूडेंट आत्मा है वो अपने जो ग्रुप है उसमें वापस जाए, एक बार फिर बातचीत करे, अपने सबको के बारे में बातचीत करे, अपने जो भविष्य के एम है या पास्ट में जो उसने एम अपने पूरे किए या नहीं करे उस बारे में चर्चा करे, फिर एक जो नई देह उसके लिए चूज़ की जानी है उसके प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद वो किसी शरीर में जाए। लेकिन हमारे मार्गदर्शक बहुत पोलाइट भी होते हैं। जब तक सोल खुद ये नहीं चाहती कि वो आत्मालोक में जाए, वो तब तक उसे आत्मालोक लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन्हें फौरन नई देह की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए, क्योंकि नई देह की भी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आत्मालोक भी नहीं जा रही हैं, तो ये एकांत में ही बहुत लंबा अरसा भी गुजार सकती हैं। अब एक बात और आती है, तो क्या ये भूत प्रेत बन के लोगों को डराती रहती हैं? तो नहीं, ये उस कैटेगरी में नहीं आती। ये तो खुद ही एकांत में रहना चूज़ कर रही हैं। ये लोगों को डराना नहीं चाहती हैं, ये बस अलग रहना चाहती हैं। कुछ भी वजह हो सकती है, हो सकता है उनके साथ कुछ, जैसे कोई घटना हुई, अचानक से उनका देह छूट गया, कुछ इस तरह का स्थिति बनी है कि वो अब दुख में हैं। वो आत्मा लोग भी नहीं जाना चाहती, वो अपने अध्यापकों से यानी हमारे मार्गदर्शकों से भी बात नहीं करना चाहती, एक क्योंकि सदमे की सी स्थिति है उनके साथ। अब एक सवाल ये आता है कि अगर ऐसी ही बात है, सदमे की सी स्थिति है, तो क्यों नहीं मार्गदर्शक जबरदस्ती करते और फोर्सफुली इन आत्माओं को अपने आत्मा लोग लेकर जाते? अब ऐसा करना कि उन्हें जबरदस्ती आत्मा लोग लेकर जाना, ये सोल के लिए तो हो सकता है फ़ायदेमंद हो, लेकिन एक कमी भी रहेगी, वो ये कि जब परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाती हैं तो उसमें फंसकर किस तरीके से सबक सीखना है वो ये चीज़ नहीं सीख पाएंगी। और ये भी हो सकता है कि इस तरीके से करने की वजह से वो सबसे मुंह मोड़ लें, एक नाराज़ की स्थिति बन जाए। यहाँ मैं आपको माध्यम के एग्जैक्ट वर्ड बता देती हूँ जो उसने कहा। उसने कहा कि इस तरीके से जो फोर्सफुली आत्माओं को ले जाया जाएगा आत्मा लोक, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर आत्माओं से ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करा भी लिया जाए तो उनके लिए लाभकारी तो होंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में फंस जाने पर वो कोई भी सबक नहीं सीख पाएगी और साथ ही वो हर किसी से मुँह भी मोड़ लेगी। अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि चलो ये बात भी हम समझते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इस तरह की आत्मा को फौरन आत्मा लोक में ले जाया जाए और उन्हें नया शरीर दे दिया जाए? वो एक प्रोसेस, वहाँ रहने के प्रोसेस से गुजरे ही ना, उनको सीधा नया शरीर दे दिया जाए, क्योंकि उनको नए शरीर की अगर चाहत है तो वो उन्हें फौरन मिल जाए।
यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि किसी अशांत आत्मा को एकदम से एक नया शरीर दे देना, ये उस बच्चे के ऊपर हत्याचार जैसा है जो अपना जीवन शुरू करने वाला है। और वैसे भी जो इस तरह की आत्माएं होती हैं वो बेशक एकांत में रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो अंत में सहायता के लिए मांग ज़रूर करती हैं। एक वक्त ऐसा आता ज़रूर है जब वो अपने मार्गदर्शक को पुकारती हैं। और कुल मिला के इन आत्माओं के लिए इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि एकांत में रहना ये उनका विकास नहीं कर पाएगा, और इसी अवस्था में एक नया शरीर उन्हें दे देना, वो एकांत में रहना पसंद कर रही हैं, अशांत हैं, और उनको एक नया शरीर दे दिया गया तो वो शरीर के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगी, वो उससे भी कोई लाभ नहीं उठा पाएंगी। अब एक सवाल और आता है कि जो इस तरह की आत्माएं हैं जो ना तो प्रेत हैं, ना वो प्रेतयोनि में हैं, ना वो इस धरती लोक पे रहना चाहती हैं, ना वो आत्मा लोक जाना चाहती हैं, तो अब वो रहेंगी कहाँ, उनके लिए स्थान कौन सा है? इस चीज़ को मैं अगली कड़ी में एक्सप्लेन करूँगी। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सारी जानकारी जो इन वीडियोस में दी जा रही है इसका आधार क्या है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माइकल न्यूटन, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी एक मेडिकल बैकग्राउंड थी, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से उनकी लगभग 40,000 लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी थी, और एक लंबी उनके पूरा जीवन की ये एक रिसर्च है। यहाँ पर जो भी जानकारी प्रस्तुत की जा रही है वो इसी आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। माइकल न्यूटन का कार्यालय भी अमेरिका में है, जहाँ पर, क्योंकि माइकल न्यूटन का तो स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके स्टूडेंट हैं जो उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी बुक्स के लिंक दिए हुए हैं जिनके आधार पर इन वीडियोज़ का निर्माण हो रहा है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अमेज़ोन का लिंक भी दिया है, अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की और आत्माओं के साथ सीधी बात, ये दो सीरीज़ एक साथ चल रही हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज हम एकांतवासी आत्माओं के विषय में बात करेंगे। एकांतवासी आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जिन्हें